आप सबके सामने यही फैसला सुनाने के लिए कि कौन आखिर बना है अमूल स्टार वॉइस ऑफ इंडिया, किसे मिले हैं सबसे ज्यादा वोट्स, किसे मिलने वाला है वो शानदार कॉन्ट्रैक्ट बिग म्यूजिक की तरफ से, एंड ऑफ कोर्स द शेवरले युवा आवियो एंड ऑल दोस वंडरफुल 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 प्राइजेस फ्रॉम स्टार प्लस फ्रॉम बालाजी टेल फिल्म्स एंड ऑल द ब्लेसिंग्स फ्रॉम आवर वंडरफुल गेस्ट। इससे पहले कि लता जी हमें ये बताएं कि कौन बना है अमूल स्टार वॉइस ऑफ इंडिया, हम चाहते हैं कि माधुरी जी हमें थोड़ा सा एक अंदेशा दे और कुछ कहें कि किस तरह से ये कार्यक्रम रहा, आपको कैसा लगा? शान, ये बताना मुश्किल हो गया है कि कौन जीतने वाला है। लास्ट राउंड दोनों ने ही इतना अच्छा गाया है कि चूज करना मुश्किल हो गया कि कौन ज्यादा अच्छा है कौन। दोनों ही बहुत अच्छे कलाकार हैं, तो बहुत ही मेरे मन में तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कौन विनर होगा, लेकिन मैं तुम्हें क्या लगता है? वैसे माधुरी जी, आप देखें तो तीन जोन से सबसे ज्यादा वोट्स हर्षित को मिले हैं, तो और नॉर्थ जोन में उत्तर प्रदेश भी पड़ता है, पंजाब भी पड़ता है। ठीक है, देखते हैं यहाँ जो लोग हैं उनको क्या लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे हमारे जो लोग इस तरफ हैं, आपका क्या कहना है? और जो लोग इस तरफ हैं, आपका क्या कहना है? अच्छा, कहीं से भी कुछ पता नहीं चल रहा है कि क्या होने वाला है। आपका नाम ले रहे हैं ज्यादा। अच्छा, हाँ बिल्कुल। तो कुछ ऐसा करते हैं, हम दो नारे लगाते हैं। एक जो बनारस का बहुत ही पॉपुलर नारा है, जब हम वहां गए थे वहां तो हर कोई यही कहता है कि हर हर महादेव। तो जो हर्षित के साथ है वो कहेंगे हर हर महादेव, और जो इश्मीत के साथ है वो कहेंगे जो बोले सोने हो। और चाहे जो भी हो दोस्तों, बस संगीत के हित में हो, बस यही हम चाहते हैं। तो माधुरी जी आप ही। जय महाराष्ट्र। ठीक है, अभी कुछ बता ही देते हैं। मुझे लगता है क्योंकि हर्षित और अश्मित दोनों के ही दिल बहुत धक धक कर रहे होंगे अभी। अच्छा, तो ये मेरे हाथ में है जो लिफाफा, अब मुझे लगता है खोल ही देना चाहिए। नहीं, बिल्कुल ठीक है। Okay. लता जी हमें, लता जी आप अनाउंस कीजिए, मैं आपको ये एनवलप खोल के देखती हूँ। मुझे ये काम मत सौंपिए, मुझे बहुत डर लगता है क्योंकि मैं एक सिंगर हूँ और एक हारे और एक जीते मुझे अच्छा नहीं लगता है। दोनों ने इतना अच्छा गाया है, दोनों ही जीते हैं, लेकिन एक का नाम लेना ही पड़ेगा, तो चलिए। दोस्तों आप तो जानते हैं कि वो वक्त जिसका इंतजार हम कर रहे थे पिछले 6 महीनों से, वो वक्त अब आ चुका है। और हम आपको तब से कहते आ रहे हैं कि ये फैसला होगा और होगा लता जी के सामने, लता जी के साथ। जी हाँ दोस्तों, हमारे साथ है स्वयं माँ सरस्वती, संगीत की सरस्वती लता जी, और हमारे साथ है ऑफ कोर्स द रैविशिंग द ब्यूटीफुल एक्सट्रीमली टैलेंटेड माधुरी जी। माधुरी जी अब हमें बताएंगी, आप बताने वाली थी मुझे पता है, लेकिन मैंने थोड़ा सा और सस्पेंस खींचा। एक मिनट साइलेंट रहिए, दीदी नाम बता रही हैं। इश्मीत, आज वॉइस ऑफ इंडिया का फाइनल है, ते आज ही साडे गुरुआं दा दिन है, सानू सारे नू तेरे ते मान है, तू आज जीत के आना है, ते साडा सारा नाम उच्चा करना है। बोलो सोनिहाल। वॉइस ऑफ इंडिया इश्मीत ही बनेगा, उसे लड्डू बांटने की तैयारी हो रही है आज से। इश्मीत ही जीतेंगे। वॉइस ऑफ इंडिया हर्षित बनेगा। इश्मीत सिर्फ वॉइस ऑफ इंडिया नहीं, इश्मीत चॉइस ऑफ इंडिया भी है। हर्षित जीतेगा, हर्षित बनना चाहिए वॉइस ऑफ इंडिया। यूपी का हर्षित जीतेगा। इश्मीत बनेगा वॉइस ऑफ इंडिया। हर्षित वॉइस ऑफ इंडिया बने। हर्षित ही वॉइस ऑफ इंडिया बनेगा, हर्षित ही जीतेगा। आई वांट हर्षित टू बी वेल। इश्मीत ही जो लगता है वॉइस ऑफ इंडिया बन जाएगा। इश्मीत ही वॉइस ऑफ इंडिया बनेगा। कम ऑन इश्मीत, बस पंजाब हमारे यूपी में आ जाए, हमारा यूपी अकेला बहुत है। इश्मीत हर्षित, इश्मीत हर्षित, इश्मीत हर्षित, इश्मीत Oh, get out of here!